ओके, तो यार अभी देखो सेकंड लेयर हो गई है एंड क्या बना रहा है विशाल? बादल बादल ये भी तूने बनाई है? ओके सो हेलो एवरीवन, मैं अच्छा खासा सो रहा हूँ। पता नहीं क्या कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लग रहा है नीचे ही कोई कुत्ता रो रहा है, जैसे पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है। ये देखो ये बैठा हुआ है इधर पे। अभी मैं वीडियो बना रहा था, इसके रोने की आवाज़ आ रही है। देखो चिल्ला रहा है यहाँ बैठे बैठे। क्या हुआ, गेट खोलूं? अंदर आ जाता है ये डेली, फिर गेट बंद हो जाता है, ये अंदर ही रह जाता है रात भर का। अंदर है, देखो खोलता हूँ, रुक चल। इसने क्या क्या इधर पे कतरा हुआ है। ओ भाई इधर इसने चप्पल अप्पल कतर दी शायद। ओ भाई रात भर में चप्पल अप्पल खा गया इधर पे, खतरनाक कुत्ता भाई। तो मेरी नींद तो अभी ये कुत्ते ने तोड़ दी, मेरी नींद टूटी है तो विशाल को भी उठाता हूँ मैं। भाई देखो कैसे पड़े हुए हैं दोनों के दोनों। विशाल उठ जा। गुड मॉर्निंग। उठना। गुड मॉर्निंग। चाय पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ आज फ्रेंडशिप डे, उठ जा उठ जा, पता चला मेरे को। उठ उठ उठ, मेरी नींद तो कुत्ते ने तोड़ दी, तू भी उठ। अरे उठना, चाय पी के आएंगे। उठना, उठ, चाय पी के आते। उठ जा उठ जा उठ जा। अरे उठना भाई, सामने उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। उठ उठ उठ, चल चल चल। वीडियो के सामने उठना पड़ेगा। वाह यार, सुबह सुबह उठते ही इतना स्मार्ट लग रहा है तू। वाह यार, चमकता हुआ नूरानी चेहरा कर रहे हैं वे बहुत जल्द। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आई एम विशाल। सुबह सुबह इंग्लिश निकलती है क्या? चलो अब चलते हैं चाय पीने। वैसे उठने बिल्कुल मन नहीं था पर अच्छा लग रहा है ऐसे कहना। अबे उठते उठते ही एक्टिंग करने लगा भाई, अभी तो नेचुरल टोन में बोल। चलो जा, हमेशा नेचुरल रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि आज का सुबह की फ्रेंडशिप डे के हैं। हाँ फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत स्पेशल चीज, फ्रेंडशिप डे के लिए स्पेशल चीज, हमेशा नेचुरल रहे, फेक ना बने दोस्तों के साथ। जिस हिसाब से तू बोल रहा है ना रोबोट की तरह, इससे ज्यादा फेक कुछ नहीं होगा। तो अच्छा एक बात बताना, ये रोबोट की तरह नहीं बोलता धीरे धीरे, जैसे नॉर्मली ये ठीक बोलेगा ऐसे बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं। और जैसे कैमरा चालू होगा ना तो ऐसा धीरे धीरे, तो ऐसा ही रहे, ज्ञान पेलना चालू नहीं। ये जब ये वाला तो है फेक वाला, बहुत से कुछ दोस्तों ने बात नहीं, हर कोई यूज्ड टू नहीं रहता ब्लॉग के। चलो चाय पीने चलते हैं। चलो ना चलते भाई, मेरी नींद ना वो कुत्ते ने तोड़ दी यार। ओके तो इसको तो उठा दिया है, अब जाके वो अनुज को भी उठाता हूँ, वो भी सो रहा है। उसने भी बोला था उठा देना मुझे जल्दी, उठाता हूँ दोनों को। सुबह हो गई, अब तूने बोला था ना काम करेगा, जल्दी उठा देना। शक्ल देखा अभी निंजा टेक्निक है उठाने की ना, वीडियो बना दो। ऐसे नहीं उठता एक बार में, वीडियो बन रही तो सब उठ गए। विशाल भी उठ गया, ऐसे उठाया तो वापस सो गया, वो वीडियो के चक्कर में खट्टे से उठ गया। अरे नहीं सोया, उठ गया वो, उठा दिया मैंने। पूरा नहीं उठेगा जब तक वीडियो बंद थोड़ी करूंगा मैं। सर बस ठीक है, ठीक है। बंद करो ना फ्लैश यार। तो मैं आज जल्दी उठाऊ, सबको उठाऊंगा। तो अभी आ गए चाय पीने के लिए, यहाँ पीते हैं यूजुअली। इसके साइड में एक नया कैफे खुला है तो अब यहाँ पीने का सोच रहे हैं। सुबह सुबह चमक रहा है एकदम, क्या बात है। और क्या वाह यार, ज्यादा स्मार्ट लग रहा है क्या? स्मार्ट क्या बोल दिया, देख रहा है सेल्फी लेके देख रहा है। नहीं बताओ ना भाई, नहीं खाऊं क्या? खाएगा भाई, मैं कब बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ खोल के तो देख लेता और क्या आया हुआ है। सबसे पहले खुलते ही मीठा खाना चालू। तो आज संडे स्पेशल आया है, टिफिन का वेट कर रहा था बहुत जोर से। मैं क्या बताया, मीठे में भूख मर जाती है, खराब रहना, मीठा नहीं खाना चाहिए, मतलब गला खराब होने के चांसेस होते। चुप रे साले, तो खाऊंगा लास्ट में खाना भाई। देख तो सही क्या आया नीचे, और क्या बालू साई कौन का है अपना भाई, फालतू गिर का मत ना। तो
बार अभी खाना खाते खाते ना मेरे एकदम दांत में दर्द हुआ और पहले से कैविटी है इस दांत में, तो आज डेंटिस्ट को दिखाई देता हूँ। वैसे आज संडे है, शायद ही क्लिनिक ओपन मिले, पर फिर भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि फिर अगर रात में दर्द हुआ तो बहुत गंदा दर्द होता है यार दांत का, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो। देखते हैं खुली मिल जाए होप सो क्लिनिक। ओके तो यार जिस बात का डर था देखो वही हुआ है, अभी क्लिनिक बंद है, आज संडे है तो ठीक है, अब कल आएंगे और क्या, चलो वापस। इतना पानी वानी में आए और दूसरी जगह नहीं देखे, नहीं रहने देते हैं यहीं पे करवा लेंगे यार। बात हो गई मेरी डॉक्टर से जो भी है यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कल ओपन करेंगे तो वो कॉल कर देंगे। ठीक है कोई बात नहीं। तो यार अभी मैं तो सो रहा था पर ये दोनों बैठ के यहाँ पे देखो पेंटिंग कर रहे हैं, और विशाल भाई कर रहे हैं वाटर कलर पेंटिंग। क्या बना रहा है विशाल? बादल। बादल ये भी तूने बनाई है? अच्छा ओके, तो ये देखो बादल बना रहा है, ये वाटर कलर पेंटिंग। कहाँ बीच में बैठ के कर रहा है भाई, रूम के एकदम जगह है ना भाई, जगह इधर से वॉशरूम आपके लिए, नींद में कभी आप उठ के आओ। और ये अनुज इधर बैठ के पोर्ट्रेट बना रहा है। और यार तुम दोनों ही काम कर रहे हो, मेरा मन भी कर रहा है काम करने का। क्या किस में काम कर रहा है? सॉफ्ट पेस्टल में ना। हाँ सॉफ्ट पेस्टल। मेरी तो वैसे गुड नाइट होने वाली है, तेरी गुड मॉर्निंग हुई है। ये हमारी ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर ही करूंगा यार मैं, एक वाटर कलर लैंडस्केप बनाता हूँ। अब इन दोनों को देख के मेरा मन भी कर रहा है काम करने का, तो मैं भी एक लैंडस्केप बनाता हूँ वाटर कलर में। ओके तो अभी मैंने भी ड्राइंग करके यहाँ पे पैलेट वैलेट रेडी कर ली है, अब ये लैंडस्केप बनाऊंगा। ये कुछ मॉन्यूमेंट वगैरह बनाया है मैंने यूरोप इटली के, कुछ फोटो निकाल के। तो ठीक है अभी यार उसका कितना हो गया भाई? हाँ यार निकलने लगा, मतलब लाइट वाइट दिखने लगी सेक्सी तरीके से। और हमारे विशाल भाई का तो कम्प्लीट हो गया बादल, ये देखो इसने क्लाउड्स बनाए। पैलेट धुलने गया इधर पे अभी। हाँ भाई सेटिस्फाइड हो काम से? अरे साफ कर दी पैलेट भाई, एकदम एकदम क्लीन, एकदम क्लीन, बस वर्क क्लीन नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है क्लाउड। तो यार ये तो बादल बना के सोने चले गया, अब मेरे को अकेले बैठ के काम करना पड़ेगा। अनुज तू भी सो रहा है क्या? कितनी देर में खत्म होगा तुम्हारा? एक दो घंटे है। एक दो घंटे, चलो ठीक है, तब तक मैं भी कंप्लीट कर लूंगा अपना। ओके तो अभी मैंने ना इस पे फर्स्ट लेयर लगा दी है, एंड ये कुछ पैलेट के हाल देखो, और ये अभी कुछ काम का हाल है, इस पे भी फर्स्ट लेयर लगी है बस। तो अब इसको सूखने देते हैं, फिर इस पे मैं दूसरा मतलब स्टार्ट कर पाऊंगा। अभी थोड़ा मौसम में नमी है ना, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना डायरेक्ट ही सूख जाता, और हैंड टू हैंड सेकेंड लेयर भी स्टार्ट कर सकते थे। ये इसका काम अनुज का, ये जाग रहा है मेरे साथ अभी तक। हाँ यार अच्छा लग रहा है। ओके तो यार अभी देखो सेकंड लेयर हो गई है, एंड अभी कुछ ऐसी दिख रही है पेंटिंग, अभी इसमें डिटेलिंग और फाइनल लेयर बाकी है। इसलिए एक घंटे से बैठ के काम कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उठ जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, तब तक मैं इसकी पेंटिंग में दिखाता हूँ आपको। रुको, अरे अनुज, अनुज सर हाउस द जोश? नींद आ रही है देखो, लग रहा देख के तेरा वेरी हाई। नहीं यार अभी कर लेंगे। अच्छा लग रहा है, लाइट बहुत मस्त आई है इधर से। कितने ग्रेन से समझ नहीं आ रहे वीडियो में, पर बहुत ग्रेन से। सॉफ्ट पेस्टल में काम कर रहा है ये। मैं भी लेता हूँ 10-5 मिनट का ब्रेक, और फिर से बैठता हूँ उस पर काम करने, और होपफुली इस बार में निपटा ही देंगे पूरा। ज़्यादा डिटेल में काम करने का मन है नहीं मेरा, बस एक सेटिंग में हो जाए तो अच्छा है। सो यार फाइनली पेंटिंग डन, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही पेंटिंग, और ये हमारे पैलेट के हाल, तो कुछ ऐसी लग रही है कंप्लीट होने के बाद। देखो ज़्यादा डिटेल नहीं की मैंने,
बस कम टाइम में बनाने का ट्राई किया है। तो ये कुछ बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी कुछ बनी है, ठीक है। और ये अनुज का काम चले गया उठ के ये सोने के लिए, पर इसका बोर्ड रेडी है देखो। और इधर विशाल, विशाल ने ये बादल बना के गया था, मस्त लग रहे हैं अभी। तो फिलहाल अपने चारों तरफ पेंटिंग्स से घिरा हुआ हूँ मैं। इधर देखो ये मेरी ऑयल पेंटिंग जो मैं इनकम्प्लीट है अभी, अभी ऑयल में काम नहीं कर रहा हूँ मैं। ये अभी वाटर कलर पेंटिंग जो रिसेंटली बनाई है, ये अनुज की पेंटिंग पोर्ट्रेट, उसने उसमें बनाया सॉफ्ट पेस्टल में। ये इसमें ग्रेन्स दिखेंगे देखो आपको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये सॉफ्ट पेस्टल और ये हमारे विशाल के बादल। तो हाँ गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। यही था आज का व्लॉग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।